ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अमेजोन में अवेलेबल 1000 की रेंज में नेक बैंड यानी कि कॉलर वाले ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में। ये मैंने अमेजोन से लिया था, सेल में लिया था और यहाँ पे कीमत तो काफ़ी ज़्यादा लिखी है लेकिन मुझे सेल में ये केवल और केवल 1000 यानी कि 999 रुपये का मिल गया था। और ये आता है बोल्ट कंपनी की तरफ से। यहाँ पे इसके सारे फीचर्स लिखे हैं, मैग्नेटिक HD साउंड, लॉन्ग बैटरी, माइक है, नेक बैंड है और सारे डिवाइसेस में लगता है और 1 साल की वारंटी है। तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। सामने हमें एक फ़ोटो मिलती है जिसका कोई काम नहीं हमें, और यहाँ पे है हमारा ब्लूटूथ ईयरफोन और इसके अंदर एक चार्जिंग केबल होगी और थोड़े से ईयरबड्स होंगे जिसका हमें अभी तो कोई यूज़ नहीं। तो ये रहा हमारा ब्लूटूथ ईयरफोन जो कि पहली नज़र में देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इसका जो मैग्नेटिक लॉक है ये भी काफ़ी पावरफुल है, ये आसानी से तो नहीं निकलने वाला है, ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी। और इसमें एक और ख़ास बात है कि इसके जो हम लोग वायर की लंबाई को एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में किसी और भी ब्लूटूथ ईयरफोन में ये फीचर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें मिल जाता है वायर को एडजस्ट करने का फीचर। ये मुझे बात काफ़ी अच्छी लगी। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ अपने पुराने वाले बोट कंपनी के ब्लूटूथ ईयरफोन से तो बोट वाले में वायर को एडजस्ट करने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस वजह से बोट का इतना लंबा वायर गले में लटकता है जो कि कभी कभी काफ़ी दिक्कत कर देता है। तो यहाँ पे मैंने बोल्ट का पहना हुआ है, बोल्ट ध्यान रखिएगा, बोल्ट है यहाँ पे, और इसका वायर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ तो ये काफ़ी आराम से केवल यहीं तक लटका है क्योंकि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं करने वाला है, कहीं पे भी फंसने नहीं वाला है। मैं चाहूँ तो इसे और भी छोटा कर सकता हूँ लेकिन इसी की जगह ये बोल्ट है, ये देखो कहाँ तक वायर लटका हुआ है, बहुत नीचे तक, जो कि कभी कभी बहुत दिक्कत करता है, कभी यहाँ घूम रहा है, कभी वहाँ घूम रहा है, कभी यहाँ लटक रहा है, कभी वहाँ फंसा जा रहा है, तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है बोट वाले ईयरफोन में। हालांकि दोनों की कीमत सेल में 1000 पहुँच जाती है लेकिन नॉर्मली दोनों ईयरफोन आपको 1300-1200 रुपये में मिलते हैं, तो ये है बोट की एक बड़ी कमी। तो चलिए बात कर लेते हैं बोल्ट कंपनी के ईयरफोन की साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी के बारे में। तो अगर आप लोग केवल इस बोल्ट कंपनी के ब्लूटूथ ईयरफोन को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको ना ही इसके साउंड क्वालिटी में कोई कमी नज़र आएगी और ना ही इसके कॉल क्वालिटी में। लेकिन अगर मैं इसका कंपेयर करूं अपने इस बोट कंपनी के ब्लूटूथ ईयरफोन से तो जी हाँ, बोट कंपनी में थोड़ा बेस ज़्यादा है और इस बोल्ट वाले में थोड़ा सा बेस कम है। तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़्यादा बेस चाहिए होता है, तो अगर आपको ज़्यादा बेस चाहिए तो आप लोग बोल्ट का ले लो, लेकिन अगर आपको कम बेस से काम चल जाएगा तो आप बोल्ट का ले लो, आप लोग ध्यान से नाम को सुनिएगा। और अगर बात की जाए कॉल क्वालिटी की तो भाई बोट यानी कि लंबे वायर वाले ईयरफोन में कॉल क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है और बोल्ट इस काले वाले ईयरफोन की कॉल क्वालिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस भी कैप्चर कर लेता है जो कि आपके सामने वाले को थोड़ा सा सुनाई पड़ने में दिक्कत कर सकता है, जबकि बोट वाले में उतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर नहीं करता है। और अगर हम लोग बात करें बैटरी बैकअप की तो दोनों ईयरफोन लगभग 4 से 5 घंटे आराम से चल जाते हैं। और हाँ, लंबे वायर वाले यानी कि बोट वाले में एक और कमी है कि उसका मैग्नेट इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो आसानी से छूट जाता है, दोनों वायर लटके अलग अलग हो जाते हैं जो कि आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। अगर मैं दोनों ईयरफोन को एक लाइन में कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा कि अगर आपको साउंड क्वालिटी चाहिए तो बोट वाला अच्छा है, लेकिन अगर आपको सुविधा चाहिए तो बोल्ट वाला अच्छा है। लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा, सेल में ही इनका प्राइस 1000 होता है, नॉर्मली इन दोनों का प्राइस 1000 से ऊपर का होता है। तो इन दोनों में आपके लिए कौन सा ईयरफोन ज़्यादा सही रहेगा ये आपके प्रेफरेंस पर ही निर्भर करेगा। लेकिन अगर बात करी जाए वारंटी क्लेम सर्विस की तो मैंने बोट के वारंटी क्लेम की सर्विस को आजमाया है, उनकी काफ़ी अच्छी सर्विस थी, घर से प्रोडक्ट को ले गए और रिपेयर करके वापस घर में भेज दिया। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी ईयरफोन लेना होगा तो मैं दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा अमेजोन में अवेलेबल 1000 की रेंज में दो ब्लूटूथ ईयरफोन्स। तो
तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोगों में से किसी के भी पास इन दोनों में से कोई भी ईयरफोन होगा तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में बताना इन दोनों ईयरफोन्स के साथ।